हम यहाँ कोई किताबी जानकारी आपके साथ साझा नहीं करते, ये जानकारी अनुभव में लाई गई है, पहले इसको प्रयोग किया है, इसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं तो आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमारा आज का विषय है एक ऐसा चमत्कारी तेल जिसकी आप पैरों के ऊपर मालिश करोगे और थोड़ा नाभि में मालिश करोगे, नाभि पे हल्का हल्का लगाओगे तो ये आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने लगेगा। यदि आपकी डायबिटीज वात और पित्त के कारण, वात पित्त और कफ तीन जो दोष होते हैं हमारी आयुर्वेद के अनुसार, तो ये जो तेल है बढ़ी हुई वात के दोषों को और बढ़ी हुई पित्त के दोषों को कम करती है। आप तेल की मालिश अपने पैरों पे करोगे तो ये आपके पेट में यदि कीड़े हैं तो उन कीड़ों को भी मार देगी, आपके बाल झड़ते हैं उन बालों को झड़ने से रोक देगी, और यदि आपकी डायबिटीज जो है काफ़ी बढ़ रही है तो उस बढ़ती हुई डायबिटीज को रोक देगी। खास बात ये है वात और पित्त के सभी रोगों पे काम करेगी, जैसे जोड़ों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना और जलन होना शरीर में कहीं भी, और एलर्जी होना, त्वचा विकार होना, उन सब के ऊपर इसका बड़ा जबरदस्त और प्रभावी रिजल्ट देखने को मिला है। हमें लगभग 3 महीने पहले इस जानकारी की प्राप्ति हुई थी, हमने इसको प्रयोग किया और जिसको भी दिया बड़ा जबरदस्त जो इसका रिजल्ट मिला। सबसे अच्छा हमें इसमें ये लगा कि ये खानी नहीं है, और खानी नहीं है तो इसका शरीर के ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। उसके बाद ये साथ में पेट का भी शोधन करती है और पैरों में जलन हो तो उस जलन को भी कम करती है, पसीना ज़्यादा आता है तो पसीने को भी रोकती है, और साथ में जो है आपको गैस बनती है गैस को रोकती है और डायबिटीज को भी कम कर देती है। तो ये है क्या, ये है एक फल होता है इंद्रायण, जो राजस्थान में और हरियाणा में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, खासकर उन जगह पर ज़्यादा पाया जाता है जहाँ रेत की मिट्टी हो, रेतीली मिट्टी हो और कभी कभार बारिश भी होती रहती हो महीने 2 महीने में, तो वहाँ पर ये काफ़ी सरलता के साथ पाया जाता है। इसके जो फल होते हैं ये लगभग 130 123 रोगों में काम करते हैं। इसके फल को सुखाया जाता है, इसकी फक्की बनाई जाती है, गैस इत्यादि में इसका, गैस और बड़ी हुई पित्त यानी वात और पित्त के रोगों को दूर करने के लिए इसका काफ़ी प्रयोग किया जाता है पुराने समय से। लेकिन अब हम जो प्रयोग बता रहे हैं उस प्रयोग का आपको करना है, इसके बीज इकट्ठे करो, बीजों का तेल निकाल लो और उस तेल की आपकी नाभि के ऊपर और आपके पैरों के तलवे पर इन दो जगह पर मालिश करो। लगभग 10 मिनट का समय हर रोज दे दो। आपकी बढ़ रही डायबिटीज धीरे धीरे नहीं, पहले दिन ही कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। अभी यदि आपने 10 मिनट इस तेल की मालिश आपके पैरों पर करी है तो आप 20-25 मिनट के बाद जब अपनी डायबिटीज को चेक करोगे तो आपको काफी कम मिलेगी। बिल्कुल प्रयोग किया गया नुस्खा है, आप भी इसको प्रयोग करो। हमने इसका परिणाम लिया है तब आपके साथ साझा किया है। ऐसी जानकारी हम आपके साथ आगे भी साझा करते रहेंगे, आप जुड़े रहिए। नमस्कार, वंदे।